और अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की जो सियासी अदावत है वो अब एक बार फिर से चरम पर आ गई है। उधर पार्टी के भीतर योगी विरोधी मुहिम में मात खा चुके केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ अखिलेश यादव आप कह रहे हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम क्या हुई, ऐसा लगता है मानो बीजेपी के अपने ही पार्टी के लिए चुनौती बनकर सामने खड़े हो गए। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है, संगठन से लेकर सरकार तक कील कांटे दुरुस्त करने को लेकर आलाकमान हर संभव कोशिश कर रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नेताओं की परेड चल रही है और विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस से गदगद है। अखिलेश यादव फूले नहीं समा रहे हैं। अखिलेश यादव कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मानसून ऑफर देते हैं तो कभी बीजेपी पर तंज कसते हैं। इस बार अखिलेश यादव ने केशव मौर्य पर वाईफाई पासवर्ड वाला हमला किया है। अखिलेश यादव ने केशव मौर्य को दिल्ली का मोहरा भी करार दिया है। मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे। यूपी में सियासी कुश्ती अब अखिलेश बनाम केशव हो गई है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव केशव मौर्य पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बार अखिलेश यादव ने जैसे ही केशव मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताया, वैसे ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए अखिलेश यादव की पीटीए को सबसे बड़ा धोखा करार दिया। मानसून के मौसम में यूपी के दो सियासी दिग्गजों के बीच बयानों की बारिश यूं ही नहीं है। दरअसल यूपी की राजनीति में पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक है। अखिलेश यादव खुद को यूपी में निर्विवाद पिछड़ों का नेता बनाना चाहते हैं। यादव में अखिलेश यादव की तूती बोलती है, लेकिन गैर यादव पिछड़ा वोटर्स में केशव की धमक कायम है। केशव को सियासी रूप से खत्म करने के लिए ही अखिलेश कभी उनका मजाक उड़ाते हैं तो कभी उन्हें ऑफर देकर बीजेपी में संदिग्ध बनाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव और केशव की सियासी लड़ाई व्यक्तिगत स्तर तक पहुंचने के कई कारण हैं। जैसे यूपी में अखिलेश यादव और केशव दोनों पिछड़ों के नेता हैं। अखिलेश यादव समाज के नेता के तौर पर स्थापित है, जबकि केशव भी कोयरी समाज पर अपना दावा ठोकते रहे हैं। केशव और अखिलेश यादव एक दूसरे को कमजोर साबित करना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश किसी भी मौके पर केशव को छोड़ते नहीं। अखिलेश ने 2022 में केशव को सिरादू सीट से हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, तो वहीं केशव ने भी अखिलेश यादव को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच की यह अदावत कोई नई नहीं है। आपको याद दिला दे कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने केशव मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था, इसके चलते केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। इसके बाद भी कई मौकों पर अखिलेश यादव केशव मौर्य को सरकार बनाने को लेकर कटाक्ष करते रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी ने अखिलेश यादव को कांग्रेस का चेहरा बता दिया है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए। पहले अपने बारे में विचार कर लें अखिलेश यादव, 2024 में कुछ सीटें थोड़ा ज्यादा मिल गई तो इतना अहंकार घमंड आ गया है। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता सुपड़ा साफ करेगी और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर वापस भेजेगी। हालांकि अखिलेश बनाम केशव के बीच चल रहे वार पलटवार के बीच सीएम योगी लगातार एक्शन में है। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पार्टी चौकन्ना है। उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल ली है। सीएम योगी लगातार एक्शन में है। योगी लगातार अलग अलग मंडलों के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मंडे टोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चुनाव में कहां कसर रह गई। तो वही पिछड़े समाज से आने वाले विधायक और सांसद भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। ये और बात है कि इन तमाम बैठकों से प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने दूरी बनाई हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री की नजर दिल्ली दरबार पर भी है। सीएम योगी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि दिल्ली में सीएम योगी पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रायशुमारी करेंगे। हालांकि इन तमाम सियासी कसरत के बीच जो साफ साफ नजर आ रहा है वो ये है कि फिलहाल यूपी में ऑल इज वेल नहीं है।
और अगर जल्द ही नेताओं का संतोष दूर नहीं किया गया तो उपचुनाव पर इसका सीधा असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करेंगे जल प्रलय की। महाराष्ट्र से गुजरात तक और दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक लगातार जल प्रलय का सितम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। इसी कड़ी में पुणे और मुंबई की बात करें तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। उधर उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर लगातार भारी तबाही मची है। रिपोर्ट देखिए। कुदरत की मार, इंसान बेहाल। बाढ़ से बेहाल जिंदगी। पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत लोगों को डरा रही है। पानी के ये प्रभाव जिसने भी देखा उसके रूह कांप गई। सड़कों पर नदियां बह रही हैं। लोगों को पानी से बचाने वाले खुद पानी का प्रभाव नहीं सह पा रहे हैं। घरों तक नदियों का पानी मलबे के साथ पहुंच रहा है। नदी के तेज बहाव में कई लोगों के आशियाने जमींदोज हो गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां रिस्पना नदी के उफान पर आने से कई कॉलोनियों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आसपास के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। रुद्रप्रयाग के बनातोली में मोरखंडा नदी पर बनी लकड़ी का अस्थायी पुल नदी की तेज धाराओं में समा गया। मध्य महेश्वर धाम में लगभग 50 तीर्थयात्रियों समेत स्थानीय व्यापारी फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया। यमुनोत्री धाम में भी बादल फटने से जलस्तर बढ़ गया, जिसे देखते हुए मंदिर परिसर को खाली करा लिया गया। बाढ़ में मलबे के साथ पत्थरों ने मंदिर परिसर को काफी नुकसान पहुंचाया है। यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी इलाके में कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुट गई है। पुणे में बारिश के बाद क्या हालात है इसका अंदाजा आप इन सड़कों को देखकर लगा सकते हैं। पहली नजर में ये बरसाती नाला नजर आता है। पुणे में कुदरत के कहर की दूसरी बानगी देखिए। यहाँ लोगों के घरों में पानी भरा है। यहाँ पानी में ही रहने की मजबूरी है। पुणे के करवे रोड पे हूँ और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से पानी भरा हुआ है। कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन लोगों घरों से पानी नहीं निकला हुआ है। रुक रुक के बारिश हो रही है। पुणे में डैम का पानी छोड़ा जा रहा है जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग घरों में किस तरह से पानी भरा हुआ है। पुणे में भारतीय सेना के जवान लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गए हैं। भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी राहत बचाव में उतर गई है। इंडियन आर्मी के जवान पुणे के अलग अलग इलाकों में लगातार राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से इंडियन आर्मी के जवान अलग अलग सोसाइटियों में जा रहे हैं, मेडिकल की जो ज़रूरत है उसको पूरी कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं कि अगर कोई मेडिकल संबंधी कोई दिक्कत है उसको पूरी कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि पुणे के एकता नगर में है और अलग अलग सोसाइटियों में जाकर लोगों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि पानी तो उतर गया है लेकिन अब लोगों को जो बचाव कार्य के बाद कहीं कहीं जो मेडिकल संबंधी की जो दिक्कतें हो रही है उसको लेकर ये बचाव कार्य के साथ साथ उन लोग की मदद कर रहे हैं। पुणे की एकता नगरी इलाकों में रहने वालों ने रिपब्लिक भारत पर अपनी सुनाई आपबीती।